नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बिहार में एक नहीं बल्कि होंगे 3-3 फाइव स्टार होटल। अब नए सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती। उत्तर पूर्व बिहार के जिले में मॉनसून दिखाएगा 24 घंटे में अपना असर। उपद्रव में शामिल युवकों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अग्निपथ स्कीम को लेकर भड़के दंगे के बीच सबसे ज्यादा परेशानी रेल यात्रियों को हुई है। लोग जहां तहां स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। इसको देखते हुए रेल प्रशासन ने अहम और जरूरी कदम उठाते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। रेल से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना अगर आपको चाहिए तो आप खगड़िया रेल इंक्वायरी के लिए 8252912031, हाजीपुर रेल इंक्वायरी के लिए 8252912078, बरौनी इंक्वायरी के लिए 8252912043, दानापुर कंट्रोल रूम के लिए 9341505327 या फिर 9341505326, समस्तीपुर नियंत्रण कक्ष के लिए 06274232250 या फिर 9771428963, दरभंगा के लिए 9264492779 और सहरसा 0627822343 या 8102919168 हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार में एक नहीं बल्कि होंगे 3-3 फाइव स्टार होटल। अब बिहार में भी अपना फाइव स्टार होटल होने वाला है, वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 फाइव स्टार होटल की राजधानी पटना में खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि वीरचंद पटेल पथ स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक, सुल्तान पैलेस और गांधी मैदान के समीप बांकीपुर बस पड़ाव की जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार 45 साल के लीज पर निजी निवेशकों के जारी इनका निर्माण करवाएगी। निर्माण कार्य के लिए 3 साल का समय दिया जाएगा। तीनों होटल में फाइव स्टार वाली सुविधा मिलेगी। इन तीनों होटल में फाइव स्टार की सुविधा वाले करीब 1075 कमरे होंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक पटना में फाइव स्टार होटल खुलने के बाद सीधे तौर पर 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 315 ट्रेनें हुई रद्द, हजारों यात्री परेशानियों का कर रहे हैं सामना। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में जो आग लगी है उसमें सबसे ज्यादा रेलवे को ही नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पर ट्रेनों को जला दिया गया है। शुक्रवार को ट्रेनों में हुई आगजनी और शनिवार को बिहार बंद को देखते हुए रेलवे ने करीब 315 ट्रेनों के आवागमन को नियंत्रित किया। इस बीच ना जाने कितने यात्री फंसे हुए हैं। ये ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से खुलती गुजरती है या फिर इनका समापन बिहार के स्टेशनों पर होता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जाने वाले हजारों यात्री पटना में फंसे हैं। ट्रेनों के रद्द होने से जरूरी यात्रा करने वाले लोगों को काफी समस्या आ रही है। शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए आज राजेंद्र नगर टर्मिनल, पट्टा जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, दानापुर में अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है। प्रधान शिक्षक की परीक्षा की बढ़ाई गई तारीख। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 25 जून को परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि आयोग ने इस परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया। ये परीक्षा अब 25 जून के बजाय 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आयोग की तरफ से परीक्षा की तारीख को आगे करने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। हालांकि आयोग की तरफ से कहा गया है कि प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तारीख में परिवर्तन संभव है। अब नए सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती। बिहार में बालू खनन नीति 2019 में संशोधन और नई बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी गई है। बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती अब जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। 5 साल तक बंदोबस्ती होगी। बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि राज्य की नई बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। अब बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 सालों के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी सह टेंडर के माध्यम से होगी। वहीं राशि वसूली के लिए जिलाधिकारी 21 दिनों की नोटिस जारी कर वसूली कर सकते हैं। नगर निगम पार्षदों की बैठक में 14 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 19 जून को पटना नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए अभी कोई घोषणा भी नहीं हुई है। खबरों की माने तो अभी इसमें 4 से 5 महीने देरी होगी। इस बीच बीते दिन को पटना नगर निगम के बांकीपुर अंचल कार्यालय में महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में निगम पार्षदों की एक कार्यकाल की अंतिम बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में सांसद रामकृपाल यादव भी सम्मिलित हुए थे।
बैठक में पार्षद ने जलापूर्ति योजनाओं और जल निकासी योजना के कई अधूरे कार्यों के बारे में प्रमुखता से सवाल उठाए। इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 2 प्रस्ताव वार्ड 38 और वार्ड 48 के थे, जिनमें अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण के संबंध में स्वीकृति देनी थी, लेकिन पार्षद विनय पप्पू और अन्य पार्षदों ने इसका विरोध किया कि सभी वार्ड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होना चाहिए, जिसके बाद मेयर ने सभी वार्ड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले में मानसून दिखाएगा 24 घंटों में अपना असर। बिहार में मॉनसून मजबूती से सक्रिय हो गया है। बिहार के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तर बिहार में मॉनसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों के साथ कभी धूप तो कभी छांव वाली स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां हीट वेव का असर तो नहीं है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण अभी भी उमस वाली गर्मी की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्व बिहार के जिले में मॉनसून से उम्मीदें हैं कि आने वाले 24 घंटों में अपना असर दिखाएगा। इस दौरान पटना, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया में बारिश होने की उम्मीद है। वहीं सीमांचल क्षेत्रों में 5 जिले यानी कि सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 गुना महंगा हुआ फ्लाइट का टिकट। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार से जाने वाली और बिहार को आने वाली करीब 315 ट्रेनों का परिचालन बाध्य है। इस बीच फ्लाइट की टिकट 3 गुना महंगी हो गई है। केवल टिकट वापसी में बिहार में रेलवे को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस झेलना पड़ा, लेकिन सरकार इसका खामियाजा नहीं भुगत रही, बल्कि आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। अब बिहार में प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट के टिकट के दाम 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। लोगों के पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा, मजबूरन उन्हें फ्लाइट की महंगी टिकट लेनी पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट 7,000 से 9,000 तक आती है, लेकिन शुक्रवार को विमान के किराए ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी। उन्हें टिकट के लिए 27,000 तक चुकाने पड़ रहे हैं। उपद्रव में शामिल युवक को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि पुलिस मुख्यालय एक अधिकारी की तरफ से ये बताया गया है कि उपद्रव में शामिल युवकों को आने वाले दिनों में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उपद्रव में शामिल होने के चलते उन पर FIR दर्ज होगी और चार्जशीट होने के बाद नियम के तहत वो सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने के काबिल नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 35 कंपनियों को हिंसा प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी 3,000 अतिरिक्त बल जिलों को भेजे गए हैं। वहीं पटना के DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल पर कुछ कोचिंग सेंटरों के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं। हम उस आधार पर कोचिंग सेंटरों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। जिन कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीरों को मिलेगी CAPF और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता। अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि इससे युवाओं को रोजगार के अधिकार का कोई हनन नहीं होगा, बावजूद इसके छात्र के कंधों पर बंदूक चलाने वाले उपद्रवी देश भर का माहौल खराब कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर एक अहम जानकारी साझा की। इसमें बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य निर्णय है। इसलिए इस योजना में 4 साल पूरे होने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के 4 साल होने के बाद 80% कर्मवीर कार्य मुक्त कर दिए जाएंगे। यही नहीं, इसके बाद उनके लिए केंद्र सरकार रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सेना उनकी मदद जरूर करेगी। एक दिन में 325 लोग गिरफ्तार, 70 लोगों पर FIR दर्ज। अग्निपथ स्कीम के आग में पूरा बिहार झुलस रहा है। लगातार तीसरे दिन हुए दंगों में 27 रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई और 14 ट्रेनों को फूंक दिया गया। पुलिस प्रशासन के वाहनों के अलावा भाजपा नेताओं के घरों और दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है। कई बसें आग के हवाले भी कर दी गई तो कई जगह उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। बेगूसराय, खगड़िया समेत कई जिलों में NH जाम कर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। उपद्रव को देखते हुए राज्य के 15 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही उपद्रव के दौरान 325 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 70 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं आज राजद पार्टी की तरफ से बिहार बंद का ऐलान के बाद करीब 315 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। 15 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे प्रशांत किशोर। देश के बड़े राजनीतिज्ञों में से एक प्रशांत किशोर अभी बिहार भ्रमण पर हैं। अपने जन सुराज अभियान संवाद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर मसौढ़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने समाज के युवा, महिलाओं, छात्राओं, बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टरों, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। प्रशांत किशोर ने जन सुराज के विचार को रेखांकित करते हुए बताया कि जन सुराज के माध्यम से वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी सही लोगों को एक साथ एक मंच पर आकर काम करना होगा, तभी बिहार बेहतर हो सकता है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अपराध जैसे विषयों पर चर्चा होगी। अलग अलग 15 ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ब्लूप्रिंट में बताएंगे कि बिहार को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पदयात्रा के 100 दिनों के भीतर जारी होने वाली इस ब्लूप्रिंट में सभी लोगों के सुझाव समायोजित किए जाएंगे। विशेष सुरक्षा बल के बावजूद बिहार में उपद्रव का नहीं थमा शोर। आज बिहार बंद का असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला। विशेष सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद भी कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी देखी गई। इस बंद का आह्वान बिहार के छात्र युवा संगठन आईसा, इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने किया। केंद्र सरकार को योजना वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी राजद की तरफ से दिया गया है। इस बंद को महागठबंधन के साथ साथ वीआईपी और अन्य दलों ने भी अपना समर्थन दिया। इस बीच शनिवार सुबह सुबह जहानाबाद जिले के टेहटा में प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक और एक बस को आग लगा दी। ये घटना टेहटा आउटपोस्ट के करीब की है। इस दौरान बंद समर्थकों ने पुलिस पर भी पथराव किया। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुंच गए। वहीं पटना के मसौढ़ी में बेकाबू होते हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। वहीं इस दौरान गोलीबारी भी हुई। चौथे T20 मैच के हीरो रहे 37 साल के कार्तिक भारत के साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋषभ पंत की कप्तानी में 82 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया है। चौथे मुकाबले में भारत के लिए 37 साल के दिनेश कार्तिक ने अहम पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत भारत ने एक टक्कर देने लायक स्कोर खड़ा किया है। कार्तिक को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। इससे पहले कार्तिक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 31 रन का था, जो उन्होंने 2006 में बनाए थे। ये भारत का पहला T20 मैच भी था। 16 साल के T20 करियर में दिनेश कार्तिक सिर्फ 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। ये तीनों मैच भारत के लिए अहम या यूं कहे कि करो या मरो मुकाबला था। कार्तिक ने इन तीनों मुकाबले में अपने दम पर टीम इंडिया को मैच जिताया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसने परेशानी भी बढ़ा दी है। कोरोना वायरस को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के मामले 2 गुने के करीब पहुंच गए हैं। बिहार में कुल 72 नए कोरोना के मामले मिले हैं। राज्य भर में 1,47,600 कोरोना सैंपल की जांच के बाद कुल 72 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 234 हो गई है, जहां सबसे अधिक कोरोना के मामले राजधानी पटना में है। वहीं रोहतास में 4, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा और सहरसा में 3-3 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। गया, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिम चंपारण में 2-2 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, किशनगंज, समस्तीपुर, शिवहर में 1-1 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी शनिवार को जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार कुल 13,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है संजय कुमार, गुंजन कुमार, सलीम भाई, शंकर मुखिया, यादव सूरज, सविता कुमारी, शाहिद हुसैन, कान्हा यादव, नुन्नू कुमार, कृष्णा कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपके क्षेत्र में भी बिहार बंद का असर दिखा? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।